रोहित शर्मा के कप्तान बनते ही एक और खुशखबरी आई। टीम इंडिया पूरी दुनिया में T20 फॉर्मेट में छाई। T20 फॉर्मेट में छाने का मतलब टीम इंडिया नंबर वन टीम हो गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 6 सालों के बाद टीम इंडिया T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 के स्थान पर पहुंच पाई है। थैंक्स टू टीम इंडिया, थैंक्स टू रोहित शर्मा कि उन्होंने टीम इंडिया के लिए इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस की पिछले कुछ सालों में, और उनकी कप्तानी में ये गुड न्यूज आनी थी कि टीम इंडिया नंबर वन टीम T20 फॉर्मेट में बन गई है। देखिए, टेस्ट में तो हम लगातार रूल कर रहे थे, विराट कोहली की कप्तानी में लगातार 5 साल तक हम नंबर वन टीम रहे, लेकिन T20 फॉर्मेट में हम नंबर वन नहीं थे। 6 सालों के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में हम वापस से नंबर वन की कुर्सी पर काबिज हो पाए। इससे पहले टीम 3 मई 2016 को T20 रैंकिंग में नंबर वन बनी थी। उस समय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। धोनी के बाद रोहित ने टीम को पहले स्थान पर पहुंचाया है। MS धोनी के बाद विराट कोहली को टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन वो अपनी लीडरशिप में टीम को नंबर वन नहीं बना सके थे। परफॉर्मेंसेस कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रही थी। हालांकि उसी परफॉर्मेंस में कई सारे ऐसे भी परफॉर्मेंस थे जो बड़े चौंकाने वाले रहे थे, जैसे न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में हराना, वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ये जो सारे परफॉर्मेंसेस रहे हैं विराट कोहली के जो कप्तानी में आए हैं, उन्होंने भी टीम इंडिया के को नंबर वन बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज हम कह सकते हैं कि टीम इंडिया ने वो करके दिखा दिया है जिसकी उम्मीद अभी किसी को नहीं थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे T20 फॉर्मेट में बहुत सारी दूसरी टीमें हैं जो लगातार अच्छा कर रही थी, लेकिन टीम इंडिया कहीं ना कहीं निराश कर रही थी। हाल ही में हमने अफ्रीका के खिलाफ भी देखा, हम टेस्ट हारे थे, उसके बाद वनडे हार गए थे, बहुत निराशाजनक रहा था परफॉर्मेंस। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा कप्तान बने, घर पर उनको वेस्टइंडीज के खिलाफ मैचेस खेलने को मिले, वनडे में 3-0 से सुपड़ा साफ कर दिया, फिर T20 में भी 3-0 से सुपड़ा साफ कर दिया, तो रोहित शर्मा एक तरीके से लकी चार्म बनकर आए हैं कप्तानी में टीम इंडिया के लिए। और लगातार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की टीम इंडिया कर रही है, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान है जिनको एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई जादुई कप्तान है, एक ऐसे कप्तान है जिसके हाथ में जादू है, जिसे छू लेता वो पारस पत्थर बन जाता है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं भाई रोहित शर्मा करिश्माई कप्तान है, उनके हाथ में जादू है। जैसे ही टीम उनके हाथ में आई और वो प्रॉपर कप्तान बने, उसके बाद से देख लीजिए टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स उठाकर देख लीजिए, टीम इंडिया लगातार अच्छा करती जा रही है, और बताइए नंबर वन भी बन गई है T20 फॉर्मेट में। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा News24 स्पोर्ट्स पर। हम कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News24 स्पोर्ट्स।